हेलो हाय गाइस, सो एज यू कैन सी मैं बाहर से आई हूँ और कुछ ग्रोसरीज और मेडिसिन खरीदने थे जो कि डेली नेसेसिटीज हैं, वो खरीद कर लेकर आई हूँ. सो आई एम गोना शो यू अ प्रोसेस एंड आई एम गोना ट्राई एंड स्पीक एज मच एज आई कैन इन हिंदी, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला कि मुझे हिंदी में बोलना चाहिए क्योंकि उस तरह से ज्यादा लोगों तक ये मेरा वीडियो पहुंचेगा और पहुंचता है. सो आई ट्राई माई बेस्ट. अदर दैट आई एम गोना शो यू, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि घरों के अंदर ही रहे, सिर्फ जो हमें एसेंशियल्स बाय करने होते हैं उसके लिए हम घर से बाहर जाते हैं. तो हम बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे लूप होल्स हैं जिनसे हम अपने साथ साथ वो वायरस घर भी लेके जा सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि घर ये सारा सामान घर के अंदर जाने से पहले या मुझे घर के अंदर जाने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और हम कैसे अपने आप को साफ करते हैं और सारी चीजों को साफ करते हैं. तो लेट्स बिगिन. सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने सारा सामान ऑलरेडी बाहर निकाल के रख दिया है, इसमें गर्म पानी है. सो गाइज आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, इस वक्त हमारे देश में इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में सैनिटाइजर्स की कमी है, बहुत सारी चीज़ों की कमी है. तो मैं कोशिश करती हूँ, हर किसी का अपना अपना तरीका है चीज़ें साफ करने का. मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं सैनिटाइजर कम इस्तेमाल करूँ. और जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सोप किल कर देता है वायरस को. सो ये गर्म पानी है और इसके अंदर हम सोप डालेंगे और डेटॉल डालेंगे थोड़ा सा, और उससे जो जो चीज पानी के अंदर डाल के साफ हो सकती है वो हम पानी से ही साफ करेंगे. सो लेट्स बिगिन. आई एम गोना टेक अ लिटिल सैनिटाइजर इन माय हैंड. ऑलरेडी आई एम एक्सपोज्ड कम्प्लीटली, मुझे अपने आप को कम्प्लीटली क्लीन करना है. स्टिल मैं बिफोर वॉशिंग मैम आई एम गोना सैनिटाइज माय हैंड्स अगेन. सो पहले हम थोड़ा सा लिक्विड सोप डालेंगे. लिक्विड सोप डालने के बाद थोड़ा सा डेटॉल डालेंगे. सो सबसे पहले जूस का डब्बा है, ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीका दिखा रही हूँ सफाई करने का, क्योंकि हर किसी के घर में डिश वॉशर और वेज वॉश और ये सब नहीं होता है. मैं चाहती हूँ कि लोग जो रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं और जिनके पास घरों में कोई फैसिलिटी नहीं है अदर देन साबुन और गर्म पानी, तो हर किसी के पास होता है, वो इस तरह से अपनी जो चीजें हैं उन्हें साफ करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीजों को छूते हैं और जाहिर सी बात है कि वायरस हो सकता है एंड वी हैव टू बी कॉशियस. गाइस तो मैं जो गर्म पानी से वॉश हो सकता था वो मैं वॉश कर चुकी हूँ. अब वो सब जाएगा धूप में सूखने के लिए, ताकि धूप से गर्मी से अगर थोड़ा बहुत कुछ रह भी गया है वो भी खत्म हो जाए. तो वो हमने उस साइड रख दिया है. अब बारी आती है इन सब चीजों की जो कि पानी के अंदर नहीं जा सकती हैं. इनको हम करेंगे, एक छोटा सा नैपकिन लेंगे, गर्म पानी में डालेंगे, उस पर सैनिटाइजर लगाएंगे और उससे पोंछेंगे. सो लेट्स बिगिन. सैनिटाइजर फर्स्ट अगेन. ओके, I'm gonna take a little sanitizer.
सो इस प्रोसेस में आप जितना हो सके क्लेनलीनेस का ध्यान रखें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड नाउ आप टेक दिस स्मॉल पॉकेट नैपकिन जिसमें सैनिटाइजर ऑलरेडी डाला हुआ है. गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है. एनीवे कमिंग बैक टू दिस, अब बचती हैं हमारी दवाइयां और हमारी वेजिटेबल्स. तो जितना जरूरी ग्रोसरी क्लीन करना है उतना ही जरूरी मेडिसिन क्लीन करना है. तो फिर से मैं सैनिटाइजर अपने हाथों पर लूंगी. अब है हमारे वेजिटेबल्स और हमारे फ्रूट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप अगर पानी में डालेंगे तो उसके बाद आप उनको रख नहीं सकते हैं क्योंकि वो सड़ जाते हैं. तो इन दैट केस बहुत सारे ऐसे लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जैसे धनिया है, पालक है, बहुत सारी चीजें होती हैं. आपको उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी, या तो आप जिस दिन उन्हें लेकर आए उसी दिन पकाएं, उन्हें गर्म पानी से अच्छे से धोएं और उसके बाद आप उन्हें पका लें. अच्छे से पकाएं, अच्छे से पकना बहुत जरूरी है. अगेन अच्छे से पकने से ज्यादा हीट से वो वायरस मर जाता है. तो फिलहाल जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे लोगों के पास डिश वॉशर, वेट वॉश ये सब नहीं होता है, तो मैं आपको बेसिक तरीका बताती हूँ. आप ये जो फ्रूट है या वेजिटेबल्स हैं इन्हें आप अच्छे से गर्म पानी में धोएं, क्योंकि 30 डिग्री से ऊपर जैसे कि हम सबको पता है कि ये वायरस सर्वाइव नहीं करता है. तो हम अच्छे से इसे गर्म पानी में धोएंगे और उसके बाद हम इन्हें धूप में भी रखेंगे. जितनी भी यहाँ चीजें हैं इन सबको धोने के बाद हम धूप में रखते हैं और फिर उसके बाद घर के अंदर लाते हैं, बालकनी में धूप में रखते हैं. तो मैं इनको साफ गर्म पानी से धोने वाली हूँ.
इसे ना आप वॉश कर सकते हैं ना सैनिटाइज कर सकते हैं, ये आज ही पकेगा और गर्म पानी से वॉश होगा, इसलिए मैं इसको गर्म पानी में डाल रही हूँ और उसके बाद हम इसे आज ही पकाएंगे, क्योंकि अगर हम इसे गर्म पानी में डालने के बाद नहीं पकाएंगे तो ये खराब हो जाएगा। सो वी अडॉप्टेड आवर वेजिटेबल्स एंड जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं जिन्हें आप धो नहीं सकते, पानी में नहीं डाल सकते हैं, तो वैसा एक वेजिटेबल है आलू, प्याज आप पानी में डालेंगे तो खराब हो जाते हैं, इनके लिए हम इन्हें यहाँ से उठा के सीधा यहाँ ले जाते हैं और यहाँ से ले जाएंगे सीधा हमारी बाल्टी में और इन्हें हम दो तीन दिन धूप में रखते हैं, अच्छे से धूप लगने देते हैं। धूप लगने के बाद जिस दिन हमें इन्हें पकाना होता है, जितना क्वांटिटी चाहिए होता है वहीं से उठा के हम पकाते हैं, अच्छे से पकाते हैं, जिससे वो वायरस इसमें नहीं रहता है। आलू प्याज के साथ हम यूज करते हैं। सो दैट्स इट गाइस, एज़ फार एज़ दीज़ बैग्स आर कंसर्न, वो पेपर बैग जो है वो जाएगा सीधा डस्टबिन में और ये जो बैग है ये कपड़े का बैग है, दोबारा इस्तेमाल हो सकता है और इस कपड़े के बैग को अभी हम यहाँ से एक बकेट में डाल के ले जाएंगे और उसी में हम इसे वॉश करेंगे सीधा विदाउट टचिंग एनीथिंग, इट इज स्ट्रेट अवे गो टू द वॉशरूम।